जय माँ कालका। मैं सुनील सन्नी JKM पुजारी श्री कालका जी मंदिर, पुत्र माँ कालका रानी जी का। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि ना कालका माँ की सेवा करनी है। तो आपको मैं आज बताता हूँ कि कालका मंदिर में कालका माँ की सेवा आप कैसे कर सकते हो, कालका मंदिर में किस टाइम वो सेवा होती है। अब इसके अंदर बहुत सारी सेवा होती है, जैसे लाइनों की व्यवस्था, प्रसाद की सेवा, बहुत सारी सेवा होती है। लेकिन आज जो कालका माँ की सर्वप्रिय सेवा है, कालका मंदिर में झाड़ू और पोछा, मतलब मंदिर की सफाई, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है। तो आज सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कालका मंदिर में वो सेवा कब होती है, किस टाइम होती है, ठीक है, और उस सेवा को आप कैसे कर सकते हो। ये सेवा रोज कालका मंदिर में 3 बजे होती है। शनिवार को नहीं होती, इतवार को नहीं होती और मंगलवार को नहीं होती, क्योंकि इस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो जगह नहीं होती है सफाई करने की। तो फिर वो सुबह की आरती या रात की आरती में होती है। बाकी नॉर्मल डेज में डेली सफाई होती है 3 बजे। तो मैं आप सब लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि कालका मंदिर में सफाई किस टाइम होती है और आप इस सेवा में कैसे भाग ले सकते हो और ये सेवा कैसे कर सकते हो। तो चलो देखते हैं सारी वीडियो। उससे पहले मैं आपको कालका माँ के दर्शन कराऊंगा, सारे देवी देवताओं के दर्शन कराऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ये सेवा कैसे कर सकते हैं। जय माँ कालका, माँ कालका, जय माँ कालका, जयकारा मेरी कालका महारानी का बोल, साचे दरबार की जय। अब आप पूरी वीडियो देखने, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। सफाई के साथ साथ माता के भजन सुनिए आप। जय माँ कालका। आप सब ने देखा कि मैंने अंदर माता के भवन की पूरी सफाई करी। अब मंदिर के अंदर का एरिया, ये सारे सेवादार हैं जो डेली 3 बजे सफाई करते हैं। आप देखते रहिएगा पूरी वीडियो, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, धन्य हो जाएंगे आप, और कालका माता रानी आपके और आपके परिवार को हमेशा खुश रखेगी। देखिए ये सारे सेवादार पानी से, वाइपर से, पोचे से, झाड़ू से मंदिर के भवन की सफाई कर रहे हैं और ये डेली करते हैं। और आप सब भी लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हो। आप बस जयकारे लगाते रहिए मेरी कालका महारानी जी के। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का बोल, साचे दरबार की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। एवे नी घबराई दा बोल, जयकारा मेरी कालका महामाई का। जय जय माई कालका, जीवे तेरा बालका। अब आप देखिए पीछे जहाँ पे ये माँ की तस्वीर रखी रहती है, विग्रह रखा रहता है, वहाँ पे सफाई हो रही है। ये भी डेली आती हैं, डेली कालका माँ की सफाई करती हैं, देखिए आप, और आप भी कर सकते हैं ये। जय माँ कालका, जयकारा मेरी कालका महारानी का, मेरी माँ का सोने का भवन,
ये देखिए आप, अब देखिए कालका माँ की अखंड ज्योत की सफाई हो रही है। ये वो रूटीन है जो डेली होता है कालका मंदिर पे। ये देखिए आप सब लोग, अब हम बाहर आ गए हैं, बाहर वाली परिक्रमा में हम सफाई कर रहे हैं। अब आप देखिए बाहर की सारी सफाई हो रही है। बस जयकारे लगाते रहो माता रानी के मीठे मीठे, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए आप सब लोग, जय माँ कालका, जयकारा मेरी कालका महारानी का। अच्छी तरह से इसको पूरा साफ किया जाता है, आप देखिए। जय माँ कालका, जयकारा मेरी कालका महारानी जी का। ये जो वाइपर लगा रही हैं ये कमलेश जी हैं। ये सुबह भी होती हैं, दोपहर में भी होती हैं, पूरा दिन ये माता की सेवा में लगी रहती हैं। जय माँ कालका, ये सब डेली आते हैं और डेली कालका माँ की सेवा करते हैं। आप देखिए कालका माँ ने इनको इतनी चढ़ाइयाँ करा रखी हैं, क्योंकि इससे बड़ी सेवा और कोई भी नहीं है, इससे बड़ी सेवा और कोई भी नहीं है। जयकारा मेरी कालका महारानी का बोल साचे दरबार की जय। अब देखो बाहर देवताओं की, जो बाहर देवी देवता विराजमान हैं, ये देखिए उनकी कैसे डेली सफाई होती है। ये आप सबको पता होना चाहिए, आप कालका मंदिर आते हो तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ, कालका माँ के बारे में, मंदिर के बारे में आपको सब कुछ पता लगे। ये बहन राम दरबार, इसने पूरा साफ़ किया देखिए, और अभी कर ही रही हैं, सारा प्रसाद हटा रही हैं। जो श्रद्धालु पूरा दिन आते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं। अब देखिए लोकड़ा महाराज जी की ये बहन पूरी अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर रही है। कोई लालच नहीं है इनको, सिर्फ माँ कालका की सेवा करी, और कालका माँ ने इनको चढ़ाइयाँ करा रखी हैं। अपने घर का काम भी करती हैं, अपने ऑफिस भी जाती हैं, और देखो कालका मंदिर में इनका डेली का रूटीन है, डेली साफ़ सफाई करने आती हैं ये। आप देखते रहिएगा पूरी वीडियो, आप खुद कहोगे कि हे कालका माई ये सेवा का मौका हमें भी दे। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कालका माँ ने उनको मौका दिया है कि आप भी आओ और आप भी सेवा कराओ। ये देखिए मेरी बहन संतोषी माता की कर रही है सेवा। अब गणेश जी महाराज पे पहुंच गई है ये बहन, आप देखते रहिए पूरी साफ़ सफाई बिल्कुल दिल से लगी रहती है। मैं डेली देखता हूँ इनको, डेली पूरा सफाई करते हैं। ये देखिए कमलेश जी, ये देखिए पूरी सफाई हो रही है, आप देखिए। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का। और अभी देखिए भीड़ में मुझे एक फैमिली मिलेगी, और उन्होंने मेरे को देख के क्या बोला आप भी सुनिएगा। आपको आपको करनी है सफाई, आपको करनी है, आपको करनी है सफाई। चलिए ठीक है। आप सबने देखा इस फैमिली को, ये फैमिली भोपाल से दर्शन करने आई थी कालका माई के। उनका दीदी हैं, उनकी बेटी हैं, उनका बेटा है, और भोपाल से आए थे। और उन्होंने पूरी सफाई करने के बाद मेरे को बोला कि हमारे तो धन्य हो गए आज कि आज हमें आप मिले और आपने हमें सेवा का मौका दिया। तो ये माँ की असीम कृपा थी इनके ऊपर जो आज इनको ये मौका मिला। और मैं सब कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये सेवा का मौका आपको भी मिल सकता है, जो भी जिसके पास टाइम हो। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें छोड़ो और कालका मंदिर पहुँच जाओ, नहीं, जिसके पास जब भी टाइम मिले आप ज़रूर आना, आपका दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। ऐसे मेरे भाव हैं और इन सब के भाव हैं, और मुझे पता है कि आप सबके भी भाव हैं। आप भी चाहते हो कि कालका मंदिर में आके हम कालका माँ की सबसे प्यारी सेवा, जिससे हमारी कालका माँ बहुत खुश होती है, तो वो सेवा आप भी करो। आप देखिए कि ये सब लोग कैसे सेवा में लगे रहते हैं। जय माँ कालका। बस आप सब प्लीज़ जयकारे लगाते रहो, मन में ही आप जयकारे लगा लोगे तो कालका माँ तक आवाज़ पहुँचेगी। कालका माँ को भी पता लगेगा कि मेरे बच्चे मेरी सेवा देख रहे हैं, जो मेरे बच्चे सेवा कर रहे हैं तो वो जयकारे लगा रहे हैं। तो आप जहाँ भी बैठे हो, आप कालका माँ आपकी वहीं पुकार सुनेगी, आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करेगी।
मैं पुत्र माँ कालका रानी का आपको बता रहा हूँ कि कालका माँ बहुत भोली है, बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। अब आप देखिए भोलेनाथ शिव परिवार जो है उनकी सफाइयाँ, ये भी डेली आती हैं। वर्षा जी, वर्षा नाम है इनका, ये भी डेली आती हैं रूटीन से, काफ़ी टाइम से मैं इनको देख रहा हूँ। ये देखिए इनका बेटा है, ये डेली रूटीन, ये ना कहीं शादी जाते ना कहीं भी जाते, लेकिन ये अपनी सेवा नहीं छोड़ते हैं, कहीं नहीं जाते। ये कालका माँ ने इनको इतना आशीर्वाद दे रखा है कि इनके लिए सबसे परम इनकी सेवा है जो इनको हमने दी हुई है। अब आप देखिए ये भैया हमारे बाके बिहारी वृंदावन महाराज कृष्ण जी की सेवा कर रहे हैं, पूरा साफ करेंगे। मैं बाकी आपको जब पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा साफ़ हो जाएगा, फिर दोबारा से एक बार दर्शन कराऊंगा कि जब साफ़ हो जाता है तो मंदिर कैसा दिखता है। अब हम शेरों के पीछे जहाँ वैष्णो माँ विराजमान है, जहाँ हवन कुंड है, वहाँ पहुँच गए हैं। आप देखिए यहाँ सब, और ये देखो ये भैया जो मैं बता रहा था भोपाल से हैं, ये बिटिया, और इनकी मम्मी भी अभी यहीं कहीं होगी, पोचा लगा रही है। ये देखिए इस गुड़िया का तो इतना दिल खुश था। ये देखो ये भैया भी, ये देखिए आप, जयकारा मेरी कालका महारानी जी का, बोल साचे दरबार की जय, ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। ये देखिए इनकी मम्मी, शुरू से लेके आखिरी तक पूरे मंदिर की सफाई की इन्होंने। और मैं कालका माँ से कहूँगा कि ये परिवार जो भोपाल से आया, ये भैया रेड कुर्ते में, ये बिटिया ब्लैक टॉप में, कालका महारानी इनके ऊपर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए, इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माँ कालका। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं, आप देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरा तो बहुत दिल खुश होता है, रोज़ होता है, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप सब लोग जो कालका माँ से बहुत प्यार करते हो, आप भी कालका माँ की मंदिर में आके सेवा करें। लोग मेरे से कमेंट में पूछते रहते हैं कि सेवा कैसे की जाए, कौन सी सेवा की जाए, तो बस मैंने आपको दिखाई। तो आप देखिए अभी और पूरा मंदिर में आपको दिखाता हूँ कैसे जगमगा रहा है, अभी ये सफाई कर ही रहे हैं। जय माँ कालका, जयकारा मेरी कालका महारानी जी का। अब हम उस साइड आ गए हैं जहाँ से लाइन एंट्री करती है। आप लोग सब लोग जब आते होगे तो आप देखो यहीं से आप लाइन में लग के आते हैं, तो इस टाइम मंदिर खाली भी होता है, तो उस वजह से सफाई अच्छे से हो जाती है। आप देखिए सब माँ की सेवा में लगे हुए हैं। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। तो ये वो लोग हैं, वो कालका माँ के बच्चे हैं, वो कालका माँ के भगत हैं, जिनको कोई देख रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बोल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी माँ की सेवा इनको कैसे करनी है, कितने भाव से करनी है, आप इनके भाव देखिए। ना इनको अपने कपड़ों की चिंता है, ना इनको गर्मी इतनी है, ना इनको पसीने की चिंता है, बस लगे हुए हैं सेवा में कि बस आज हमें मौका मिला है। इस गुड़िया को देखो, इस भैया को देखो, कि बस हम ये सेवा छोड़े ना, आज सेवा का मौका दिया है कालका माँ ने, तो हम इस सेवा को करें और कालका माँ से आशीर्वाद पाएं। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का, बोल साचे दरबार की जय। सब एक बार जयकारा लगाएंगे, कालका माई की फौज करेगी मौज, कालका माई की फौज करेगी मौज, ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय, ऐवे नी घबराई दा, बोल जयकारा माई दा। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का, बोल साचे दरबार की जय। इन सबको सेवा करते हुए मेरे से रुका नहीं जा रहा, बस मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेरे फ़ोन से वीडियो बना ले ताकि मैं पूरे मंदिर को कवर कर सकूँ।
तो बस अब जैसे ही कोई मिलता है तो फिर मैं अपनी इस कालका माई की फ़ौज के साथ सेवा करूँगा, बट मेरे को कोई नहीं मिल रहा है। बट इनको देख के मेरे भाव ऐसे हो रहे हैं, बस मैं लग जाऊँ। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का, बोल साचे दरबार की जय। ये देखिए आप इन भैया को, इनका पूरा कुर्ता पसीने में भीग गया है, बट लगे हुए हैं, सेवा चाहिए बस। और जब ये सेवा करके गए तो मेरे को इतना धन्यवाद बोल के गए, पर मैंने बोला ये माँ कालका की कृपा थी कि आज आप इस टाइम आओ भोपाल से आए कि आज आप ये सेवा करो, ये सब कालका माँ की कृपा थी। मेरे को तो बस उन्होंने थ्रू बनाया और आपको देख के मैंने बोल दिया कि भैया सेवा करोगे, और आपने भी हाँ बोल दिया। आप देखिए सब कर रहे हैं सेवा, बस मेरे को कोई फ़ोन बनाने वाला मिल जाए वीडियो, ताकि हम पूरा मंदिर आपको दिखा सके कैसे सेवा होती है। तो बस फिर मैं भी इन सब के साथ अपनी कालका माई की फ़ौज के साथ सेवा करूँगा, और जब आप लोग आओगे तो आपके साथ भी साथ मिलके सेवा करूँगा। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का, बोल साचे दरबार की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप सब लोगों को मैं पूरा कवर करके दिखाऊं। अब मेरे को फ़ोन पकड़ने वाला मिल गया है, तो बस वो भैया आ रहे हैं, अब उनको फ़ोन पकड़वा के अब मैं इन सब के साथ सेवा करूँगा। उन भैया को मैंने अभी बुलाया है कि भैया प्लीज़ मेरे को भी सेवा करनी है बाहर की, और अपनी कालका माई की फ़ौज के साथ सेवा करनी है, तो प्लीज़ आप आ जाओ। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का, बोल साचे दरबार की जय। ये मेरे, मैं कालका माँ का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस कालका माई की फ़ौज के साथ मुझे सेवा करने का मौका दिया। आप देखिए अब हम सब मिलके सेवा कर रहे हैं। आप बस जयकारे लगा दो, जयकारा मेरी कालका महारानी जी का, बोल साचे दरबार की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कालका माँ के जो धूपिया होता है, जो चेतन होता है, देखो अब वो गुड़िया से, मैंने बोला गुड़िया आप करो आज सेवा, बाकी माँ के बर्तन देखो, ये दोनों बच्चियाँ सब मिलके साफ़ कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं ये माँ के बर्तन, आप देखो इनकी मम्मी, इनके भैया, ये खुद और बाकी सब सेवादार सब मिलके साफ कर रहे हैं। ये देखिए मेरी बहन प्याऊ साफ़ कर रही है, जहाँ पे सब आप लोग हाथ धोते हैं। उसके बाद कालका माँ का थाल देखिए साफ़ हो रहा है, दोनों झारी जिसके अंदर दूध और जल होता है, कालका माँ का थाल, कालका माँ की आरती, ये सब डेली साफ़ होता है, इसी टाइम साफ़ होता है। उसके बाद जब सारी सफाई हो जाती है, फिर सब सेवादार मिलके साथ में पोचे धोए जाते हैं, फिर पोचों को सुखाया जाता है कि पूरे दिन में अगर कोई और आए तो उनको साफ़ मिले, ताकि और कोई भी सेवा कर सके। ये देखो आप सब मिलके ये सारे पोचे धो के इनको सुखा के फिर कहीं जाकर ये रेस्ट करते हैं। देखिए आप इनके भाव देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, पूरा सफाई हो गई है, आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए पूरा क्लीन कर चुके हैं अब हम सब मिलके। मैंने तो थोड़ी करी है, बट इन सब ने पूरा मंदिर को साफ़ करा है। ये देखिए माँ कालका की परिक्रमा देखिए, बिल्कुल साफ़ हो गई है। शिव परिवार, ये देखिए इनका श्रृंगार कर दिया है, इनको पूरा पीतल ऐसा चमक रहा है जैसे सोना हो। ये देखिए अब आप सारे देवी देवताओं को देखिए, इनके दर्शन भी करिए, सब साफ़ हो गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और आप सोचो जिन्होंने इनको अपने हाथ से साफ़ करा है, सफाई करी है, उनका दिल कितना खुश हुआ होगा आज। और आप भी कर सकते हो ये चीज़ें, तो आप जब भी आओ कालका मंदिर में तो आप कर सकते हो। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं आप, देखिए ये देखिए।
जयकारा कालका माई का। वो साचे दरबार की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, सब लोगों को बता दूं कि ये वो पूरी टीम है जो कालका मंदिर में डेली सफाई करती है। आप भी इस टीम के अंदर शामिल हो सकते हो, आप भी डेली सफाई कर सकते हो। मंजू है, अनुराधा जी हैं, उमा जी कांयेरी, ये सारी बहनें आपको डेली यहीं मिलेगी, तो आप सब इनके साथ सफाई कर सकते हो डेली मंदिर में आके। एक चीज और, ये हमारी बिटिया छोटी सी, ये दीदी और ये भैया, ये आज दर्शन करने आए थे, इन्होंने हमको सफाई करते हुए देखा तो ये भी शामिल हो गए। आप सब लोग कालका महारानी, आपकी सारी मनोकामना पूरी। जयकारा मेरी कालका महारानी का। बोल साचे दरबार की जय। कालका माई की फौज करेगी मौज। कालका माई की फौज करेगी मौज। जय मां, जय मां, जय मां कालका। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सब लोगों को बताया और दिखाया कि कालका मंदिर में सफाई कैसे होती है, मतलब सफाई की जो सेवा होती है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप होती है। तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि आप भी सफाई में शामिल हो सकते हो, इस सेवा में शामिल हो सकते हो, अपने मित्रों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी के साथ भी। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस सफाई के अंदर लेडीज़ जेंट्स कोई भी इस सफाई को कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सफाई सिर्फ लेडीज़ से करती है, जेंट्स भी बहुत करते हैं। और ये सफाई डेली 3 बजे कालका मंदिर में होती है। मैंने आपको पूरी टीम से भी मिलवाया, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे तो आप इस टीम से मिल सकते हो। आप इस वीडियो को देखना, वो पूरी टीम भी है, आखिरी में मैंने इस वीडियो में उस पूरी टीम से मिलवाया है आपको। जय मां कालका। प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मेरे तो भाव जुड़े हुए हैं। ये वो सेवा है जिससे कालका माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। मतलब कोई भी भगवान हो, घर की माँ हो, हमारे मम्मी पापा हो, अगर हम अपने घर में अच्छा काम करेंगे तो हमारी माँ बहुत खुश होती है। इसी प्रकार कालका माँ भी इस सेवा से बहुत खुश होती है। लोग तरसते हैं कालका मंदिर में इस सेवा को करने के लिए। तो जब भी आपको मौका मिले, जिस दिन भी आपको मौका मिले, तो आप इस सेवा को कर सकते हो। एक चीज़ और, ये सेवा शनिवार, इतवार और मंगलवार को नहीं हो पाती है, बिकॉज़ क्योंकि उस दिन ज़्यादा भीड़ होती है कालका मंदिर के अंदर। बाकी सप्तमी और अष्टमी, इस दिन भी ज़्यादा भीड़ होती है, कोई गस्टेड हॉलीडे होता है तो भीड़ होती है। मतलब कहने का ये है कि जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है तो उस दिन सेवा पॉसिबल नहीं हो पाती है। बाकी रेगुलर नॉर्मल में ये डेली होती है। तो आप सभी सेवा का भागीदारी बने और कालका माँ को खुश करें कि माँ कालका को लगे कि मेरे बच्चे आज मेरे भवन में आके इतनी अच्छी सेवा करके गए हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय माँ कालका। माँ कालका ब्लेस यू। आप सबका भाई पुजारी गुरुजी सुनील सन्नी JKM पुजारी श्री कालका जी मंदिर, पुत्र माँ कालका रानी जी का। जय माँ कालका। माँ कालका ब्लेस यू। जय माता दी।